क्या आप भी ऑनलाइन टाइपिंग जॉब करने के लिए बेताब हैं? आपको कोई रियल तरीका नहीं मिल रहा है जिससे आप ऑनलाइन टाइपिंग करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं? क्या मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं आप? इंटर तक पढ़े हुए हैं आप? इंटर से ज्यादा पढ़े हुए हैं तो कोई मसला नहीं, आप मैट्रिक वाला भी इस पे टाइपिंग करेगा, इंटर वाला भी करेगा और पीएचडी वाला भी करेगा। मैट्रिक वाले को मिलेंगे $60, इंटर वाले को मिलेंगे $12 या $10, पीएचडी वाले को मिलेंगे $14 से $15, ठीक है? तीनों को ही अर्निंग लहदा होगी। आपको अप्रूवल करवानी होगी अपनी मैट्रिक की सनद की, इंटर की हुई है उसका आपने रिजल्ट कार्ड आप उनको देना होगा। अथेंटिक वेबसाइट है, कोई भी ऐसा काम ऐसी चीजें नहीं मांगती, अथेंटिक वेबसाइट ही आपसे ये चीजें मांगती है क्योंकि उन्होंने आपको पैसे देने होते हैं। वो आपसे जब भी आप जॉब करने के लिए जाते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, आप अपनी मैट्रिक के सनद लेकर जाते हैं, मैट्रिक के सनद लेकर जाते हैं, रिजल्ट कार्ड लेकर जाते हैं, इस तरह जहां तक आप पढ़े होंगे वहां तक आपको रिजल्ट कार्ड या सनद वगैरह लेकर जानी होगी और आपको अपना आईडी कार्ड की फोटो कॉपी भी लेकर जानी होगी। सब कुछ आपको ले जाना होगा फिर ही आपको जॉब देते हैं, वरना वो जॉब नहीं देते। आप भी इस तरह काम करना चाहते हैं, टाइपिंग जॉब 100% रियल मेथड है, कोई फेक नहीं। मैं आपको करके दिखाऊंगा वो वेबसाइट कौन सी है, उसपे अकाउंट किस तरह बनाना है और उसपे अर्निंग किस तरह करनी है और अर्निंग निकलवानी किस तरह है, वो सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरी फैमिली में भी शामिल हूँ यूट्यूब फैमिली में, और ताकि आपको रेगुलर अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। मेरा मकसद होता है कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो, ऐसी वेबसाइट, ऐसा काम लेकर आऊं जिससे आपको फायदा हो, जिससे आप कुछ न कुछ अर्न करें और ताकि मुझे दुआएं दें। तो चलते हैं वीडियो जाने, मैं आपको बताता हूं एड जा तरीका का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गैलेक्सी ग्रुप पे। आज फिर मैं लेकर आऊँ आपके लिए एक जबरदस्त टाइपिंग जॉब, जबरदस्त 100% अथेंटिक वेबसाइट है जिसपे आपने एक दिन में $20 से $30 आप इजिली कमा सकते हैं 24 घंटे में। लेकिन स्टार्ट में आपको थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। वो काम किस तरह करने पड़ेगा कि आपको 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आपको ऑर्डर देंगे, आओ कंप्लीट करके देंगे, उनको पता होगा कि ये बंदा ये एक्टिव है, ये हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है, तो वो आपको 2 या 4% बोनस भी देंगे, ठीक है? क्योंकि जब आप काम रेगुलर करेंगे तो हर वक्त आप एक्टिव रहेंगे, हर वक्त आप उनका काम करके देंगे तो आपको वो बोनस भी देंगे। अच्छी खासी अर्निंग है, आप घर बैठकर अच्छा खासा काम कर सकते हैं अगर आपके पास पीसी लैपटॉप जो चीज भी है, आप उसके जरिए इजिली टाइपिंग करके काम कर सकते हैं। बिल्कुल अथेंटिक तरीका है, कोई फेक नहीं है। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा और लाइव उस पर अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि उस पर आपने अकाउंट किस तरह बनाना है, उस पर काम किस तरह करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर नीचे लिंक ना मिला हो तो आपको साइड पे या लेफ्ट या राइट साइड पे आपको उस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, वो जस्ट आपने नाम सर्च करना होगा गूगल पे या गूगल क्रोम पे, तो उधर सर्च करने के बाद उसके बाद आपके पास फ्रंट पेज आएगा, उधर आपको मुकम्मल डिटेल में बताता हूँ कि कितने लोग एक्टिव उधर हैं, कितना काम कर रहे हैं और कितने काम नहीं कर रहे, या कितने काम करने से कितनी अर्निंग हो रही है, कितना काम करेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, ये सब कुछ आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। उधर ही आपको बताता हूँ कि आपने कितना काम करना है, किस तरह आपने काम करना है और कैसे ही आपने टाइपिंग करके उनको अपना काम सबमिट करवाना है, वो सब कुछ मैं आपको एड जाड बताऊंगा। कहते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर मेरे साथ रहिएगा, वीडियो करिएगा ना स्किप, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको आप भी स्किप हो जाएंगे, क्योंकि स्किप करने से वीडियो स्किप होगी तो आपको आपके माइंड में कुछ और नॉलेज आ जाएगा, मतलब आप आगे चले जाएंगे और फिर आप कहेंगे हमें जो अर्निंग नहीं हो रही, एड जाड समझिएगा, फॉलो करिएगा, समझने के बाद उस काम को करिएगा साथ साथ, और करने के बाद जब आप मुकम्मल उस पर अकाउंट बना लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह उस पर अर्निंग करनी है, तो किस तरह आपने अपने आर्टिकल वो काम देंगे आपको, कितने का काम देंगे, कितने काम करने से हमें कितनी बोनस मिलेगा और कितनी अर्निंग मिलेगी, सबको मैं आपको बताता हूँ एड जैड। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मेरे साथ रहिएगा। तो फैमिली व्यूअर, मैं आपको लेकर आया हूँ उस टाइपिंग जॉब की वेबसाइट पर, वो किस तरह, कौन सी वेबसाइट है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है? इस तरह का इंटरफेस शो होने के बाद आपके सामने ऊपर आपको सबसे पहले बता दूं, स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग राइटिंग करियर टुडे, फाइल आउट योर सीवी, पास द टेस्ट राइट एंड अर्न सीवी, मतलब जो आप अकाउंट बनाओगे रजिस्टर करेंगे वो आपकी सीवी होगी, पास द टेस्ट जो आप टेस्ट देंगे, हम आगे टेस्ट भी देंगे एक, वो भी हमारी एक वो पास हम टेस्ट करेंगे तो उसके बाद हमें अर्निंग रिसीव होगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, वही आर यू करंटली हायरिंग कैटेगरीज ऑफ राइटिंग ENA एंड ESL, ENA मतलब ये है कि EN का मतलब ये है कि जो आप अर्निंग मतलब आपकी इंग्लिश
इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज है, ENL मतलब इंग्लिश आपकी बेसिक लैंग्वेज है, अगर आपकी इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज है उससे आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। इंग्लिश अगर आपकी बेसिक लैंग्वेज है मतलब आप इंग्लिश फिजिकली बोलते हैं जैसे हम उर्दू बोल रहे हैं, इसी आपकी इंग्लिश फिजिकली लैंग्वेज है, इंग्लिश बोलना आपको ईजी है, तो आप इससे अच्छी खासी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। एंड ESL, ES मतलब ये है कि अगर आपकी इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज नहीं है, मतलब अगर आप इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज में नहीं बोलते, आप उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत पता है, फिर भी आप इस पर अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दो लेवल हैं, दोनों में आप अलग अलग तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ओवर बेनिफिट्स, ओवर बेनिफिट में जाते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑन टाइम पेमेंट्स, फ़ौरन ही आपको इसकी पेमेंट्स मिलेगी जब आप काम करेंगे। कॉन्टेंट फॉलो ऑफ ऑर्डर्स, आपको ये पहले ही आपने कंटेंट बता देना आपको किस कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उस कंटेंट के रिलेटेड आपको ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इधर द हाईएस्ट वेज, इसकी बहुत ही हाईएस्ट वेज है। उसके बाद 24/7 लाइव सपोर्टेड, ठीक है, 24 घंटे ये लाइव होते हैं, फ्लेक्सिबली वर्किंग हॉर्स, हर घंटे बाद आपको अर्निंग कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, राइटर्स अर्निंग आप देखते हैं, ENL राइटर्स मतलब जो जिनकी इंग्लिश में इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज है वो मंथली वो अर्निंग कर रहे हैं। कंप्लीट ऑर्डर्स 4,549 डॉलर पर मंथ वो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। जो पाकिस्तानी आप देखा जाए तो 10 लाख 11 लाख रुपये बनता है, ठीक है। और कंप्लीट ऑर्डर 115 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, पेजेस 349 पेजेस कंप्लीट करते हैं, इस तरीके चार बंदे हैं वो इतनी अर्निंग कर सकते हैं। आपके सामने मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सामने नीचे लेकर जाता हूँ, स्टार्ट अर्निंग एज द फ्रीलांसिंग, ये आपके सामने आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सब कुछ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन, पॉपुलर राइटर डिसिप्लिन ब्लॉगर्स, ये सब का सूच आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं अब आपको दिखाऊंगा कि आपने इस पर अर्निंग किस तरह करनी है, इस पर अकाउंट किस तरह बनाना है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है, रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज होगा, आपके सामने एक फुल फॉर्म पेज होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम आपका जो भी हो, ठीक है। उधर आप उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। लास्ट नेम लिखने के बाद इधर लास्ट नेम नीचे आपने सिटी पाकिस्तान रिपीट ईमेल वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने कंट्री, इधर कंट्री देनी है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इधर कंट्री देने के बाद मैं इधर कंट्री पाकिस्तान देता हूँ। उसके बाद नीचे आपने ईमेल, नीचे ईमेल आपने दोबारा फिर इधर भी आपने ईमेल अपना दे देना है, यही ईमेल आपने इधर दे देना है, इधर दोबारा फिर आपने अपना ईमेल दे देना है, ठीक है। नीचे आपने अपना पासवर्ड देने लगाना है, जो भी आपका पासवर्ड लगाना चाहता हूँ आपको वो पासवर्ड, बेशर्त है कि आपको वो पासवर्ड याद ही रहना चाहिए हर वक्त जब भी आप इसे लॉगिन करेंगे। मैंने खाली पासवर्ड लगा लिया, नीचे मैं अपना फ़ोन नंबर लगाता हूँ। अपना फ़ोन नंबर लगाने के बाद फ़ोन नंबर लगाता हूँ जी, फ़ोन नंबर लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद आपने ये पढ़ लेना है, ये पढ़िएगा जी, हैव यू एवरी वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक एसोसिएटिंग कंपनी, आप हर वक्त क्या इस पर काम कर सकते हैं। हमने कहना है यस पे आपने क्लिक कर देना है। नीचे आ जाए एयर आर यू अवेलेबल 24/7 घंटे, ये आपके क्या आप 24/7 घंटे हर वक्त आप ऑनलाइन हो सकते हैं, आपने कहना है यस, ठीक है। आगे आ गया आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट देयर मेट बी नाइट कॉल्स, आप जब आप रात को भी ऑर्डर कम्प्लीट कर सकते हैं, आपने कहना है यस। आपने थोड़ा सा पे अपना दबाव डालना है कि हम हर वक्त में काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद वाटर सिटीशन स्टाइल्स आर यू फेमिलर विद मेल हैं या क्या है, मेल हैं, मैं MAL लिख देता हूँ जी, मेल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आपने अपनी लैंग्वेज बतानी है, उर्दू URDU उर्दू, नीचे आपने बता देना है, नीचे इंग्लिश लिखना है, यहाँ पर व्हाट और अदर लैंग्वेज और डू यू इंग्लिश आपने लिखने देना है,
ENGLISH इंग्लिश लिखना है नीचे, आपने नीचे भी आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, इस बात को आपने फॉलो करना है। नीचे आप देखिएगा व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरीफेबल एकेडमी डिग्रीज, आपकी डिग्री कौन सी है, आपने इसको क्लिक करना है। आपने हाई स्कूल है, एसोसिएट है, बैचलर है, हाई स्कूल मतलब मैट्रिक तक, एसोसिएट यानी इंटर तक, बैचलर मानी के BA तक, मास्टर MA तक, PhD आखिर मैं एसोसिएट लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके सामने आएगा व्हाट डिसिप्लिन आर यू प्रोफेशन इन डिसिप्लिन लिस्ट, डिसिप्लिन लिस्ट इधर आपने कुछ ना कुछ बता देना है डिसिप्लिन लिस्ट में, ठीक है। आपने आपको किस चीज़ में आप ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं, किस चीज़ में आपका ज़्यादा नॉलेज है, तो आपने इधर कुछ ना कुछ बता देना है किस चीज़ में आपका ज़्यादा नॉलेज है। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपको एप्लीकेशन लेटर्स ये आपने बता देना है। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी से बताना है जिस चीज़ में आपका, अगर आप क्लास इंग्लिश लेक्चर्स कम्युनिकेशन कंपोजिशन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस बता देना जी। उसके बाद आपने क्रिमिनल एजुकेशन आपने बता देना जी, इकोनॉमिक्स आपने बता देना है। उसके बाद इंजीनियरिंग नहीं, उसके बाद आपने कोई भी कैटेगरी ग्राफिक जियोग्राफी, ठीक है, फाइनेंस अपने आपने अपनी मर्ज़ी से बता देना है जो भी आपका हो। तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ अपना ही अपनी मर्ज़ी था, और पोइट्री, मेडिसन, ये वो जो भी आपको अच्छा लगे, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, और मैं तो अपनी मर्ज़ी से बता रहा हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी से बताना, ठीक है। ये बताने के बाद नीचे आपके सामने कुछ नीचे ऑप्शन जो आएगा वो कह रहे हैं ये व्हाट, मैं आपको जूम करके, व्हाट आर द स्पेरिस ऑफ योर स्पेसिफिकेशंस, एकेडमिक पेपर्स, एडमिशन पेपर्स, डिस्क्रिप्शन राइटर्स, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन राइटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू फैमिलियर विद, ऑटोकैड, C++, ठीक है, इनमें से आपने जो किया होगा वो आपने बता देना है, ठीक है। C++, ऑटोकैड, JAVA प्रोग्रामिंग मैं ये लगाता हूँ, ठीक है। अबाउट में अपने बारे में कुछ ना कुछ बताएं, आई एम राइटर्स मतलब आई एम प्रोफेशनल राइटर्स, आपने कुछ ना कुछ बता देना है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ, आई एम प्रोफेशनल राइटर जरिए आपने लिख देना है। लिखने के बाद उसके बाद आपके सामने नीचे जो ऑप्शन आएगा, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस गूगल एड्स, ठीक है, लिंक्डइन, सर्च इंजन, इनमें से कोई भी आपने सिलेक्ट कर देना। नीचे आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपने नीचे इधर आपने सबसे पहले आपने इधर एक चीज़ रिपीट पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने उधर लगाया था वो इधर रिपीट करना है साइड वाली ऑप्शन पे। पासवर्ड रिपीट करने के बाद नीचे आपने फिर आ जाना, फिर आपने ये जो कैप्चा आपके सामने शो हो रहा है, ये जो कैप्चा, ये हर हर आपकी तरफ कुछ डिफरेंस होगा, मतलब हर की तरफ कुछ डिफरेंट नंबर आते हैं, मुख्तलिफ नंबर आते हैं, ये आपने पेस्ट कर देना है, इधर लिख लेना है जो उन्होंने लिखा होगा 36758, ठीक है। उसके बाद एग्री योर प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद वो कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, सॉरी, वो कहते हैं जी अपना ईमेल दुरुस्त करें जी, इधर आपने कुछ ना कुछ लिखना था, इस चीज़ को आपने फॉलो करना है यार लाजमी, क्योंकि ये गलतियाँ मुझसे भी हो रही हैं और आपसे भी। ये ट्रेंटिव ईमेल, इधर आपने ईमेल चेंज करना है थोड़ा सा, ठीक है, इधर आपने ईमेल चेंज करना है, आपने कोई और ईमेल लगाना है, मैं लगा लेता हूँ अपना ईमेल चेंज कर लेता हूँ आपके सामने। सुबह मैं दोबारा सबमिट पर क्लिक करता हूँ, दोबारा सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होती है या नहीं। उम्मीद है हमारी प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब हमने सारा कुछ कंप्लीट कर दीजिए देते हैं, ये हमारी प्रोफाइल जो है कंप्लीट होगी। प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, जो हमने ईमेल एड्रेस लगाएगा इस पर एक आपको ईमेल मिलेगी, वो हम ईमेल देख लेते हैं कौन सी ईमेल हमें मिली है। ये देखते हैं, वो मैंने ईमेल ओपन कर लिया, स्पोर्ट राइटर्स लैब, यही वेबसाइट थी ना, स्पोर्ट राइटर वेब्स। तो टाइम आप देख सकते हैं, 10 बज के ऊपर आप टाइम देख सकते हैं, यही हमें ईमेल मिल चुका है, ठीक है। अब योर अकाउंट आईडी, ये हमें अकाउंट आईडी मिल चुकी है इसकी, ठीक है। क्लिक हेयर वेरिफिकेशन, ये अपने वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, और वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। ये देखते हैं अब क्या होगा, ये हमारी प्रोफाइल जो है मुकम्मल वेरीफाई हो चुकी है। मैं इसे डेस्कटॉप साइड में खोल लेता हूँ, सबसे पहले ओपन क्रोम पे चला जाता है, उसके बाद डेस्कटॉप साइड पे मैं इसे खोल लेता हूँ, तो आपको भी A to Z नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप साइड में। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि आपने करना क्या है, कि आपने गवर्नमेंट IC issue ID, आपने अपना ID कार्ड जो है उसकी एक फ़ोटो आपने इधर पोस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे डिग्री, जो आपने डिग्री की हुई है ना, इंटर की हुआ, मैंने इंटर सेलेक्ट की थी, मैं इंटर की जो है इंटर की जो सनद है या जो भी
दूसरा रिजल्ट कार्ड है वो अपने वो मैंने इधर अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके सामने नीचे कंप्लीटिंग टेस्टिंग पे आपने क्लिक कर देना है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 15 मिनट होगा आपके पास, होगा शॉर्ट ऐसे आपने 100 वर्ड में शॉर्ट ऐसे लिखना है। उसके बाद कैटेन्स स्टाइल्स टेस्ट 15 क्वेश्चन वो होंगे, उसको प्रोफेशनल ऐसे राइटर, एक अच्छा प्रोफेशनल ऐसे राइटर आपने लिखना है 7 दिन के अंदर अंदर, वो अपने 500 वर्ड्स का लिखना है, वो अपने पेश कराना है। जब आपके सामने ये सब कुछ हो जाएगा तब आपकी अर्निंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये वेबसाइट है, आपने सब कुछ करना है लाजमी। मैं आपको स्टार्ट पहले सर्वे आपको कंप्लीट कराने के लिए स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सामने पेज शो हो गया, ठीक है। ऊपर टाइम भी शो हो रहा है, आपने सिंपली इस क्वेश्चन को कॉपी करना है। मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद कॉपी करना है आपने सिंपली चला जाना है जल्दी से गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने इस क्वेश्चन को सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च कर लेना है तो आपके सामने ये इसका जवाब भी आ जाएगा, ठीक है। इसका जवाब भी सिंपली आ जाएगा, ये देखते हैं इसका जवाब हमें आ गया जी।